बच्चों कैसे हो? आप लोग सोने से पहले एक एक शब्द ना एक दूसरे से डिस्कस करो हर रोज, ठीक है? डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली चलता है ना, दिन में नोट कर लिया, लाइब्रेरी में कर लिया, कहीं कर लिया, और फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ सेम। ये जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह है, ये आयरन करनी है, वॉशिंग एंड आयरनिंग ऑल आपका दो भी। ये वीकली बेसिस पे? हाँ जी, लगभग, मतलब जितनी भी यूनिफॉर्म ये पहनेंगे, वन व्हाइट यूनिफॉर्म एंड वन चेक यूनिफॉर्म टोटल। ये हो गया आपस में भाईचारे से रहने। तीसरा दिखाओ, तीसरा। ये तो यार, ये तो आपने घुमेर नहीं है, घुमेर और ये नीलम है, तो ये गुंगली में क्यों डाले? गले को अपना थोड़ा कवर किया है, ठीक है? ये जो है वो कंपटीशन से आए हैं, ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो आप लोगों में पहले से ही है, क्योंकि आप जो है आप ऑर्डिनरी बच्चे तो हो नहीं, इतना आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट हुए, फिर यहाँ आए, है ना? और यहाँ पर बाय एंड लार्ज आपके पास कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है? और आप ऐसी ऐसी स्टेज में भी जा रहे हो और ऐसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स आपके पास ये हैं जिसमें आपको अपना करियर बिल्डिंग करना है, ठीक है? करियर बिल्डिंग बनना है, आपने किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी ने आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी ने आईपीएस ऑफिसर बनना है, डिफरेंट आपने स्ट्रीम्स में जाना है आगे, ठीक है? तो आपको ये चाहिए कि अगर आपको लगता है कि वैसे तो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई अपने उसको पढ़ रहा है हॉस्पिटलिटी के कोर्स को पढ़ रहा है, कुछ हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट इज वेरी गुड, बट एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने में हमेशा बना के रखना, ठीक है? और जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन, मैं तो पहली बार आया हूँ आपके स्कूल में, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं वैसे तो चलो डीसी तो आप समझते हैं, बट आपके स्कूल का चेयरमैन भी हूँ मैं, ठीक है? तो इसलिए अगर आपको कहीं ऐसा महसूस होता है तो आपके बड़े रिस्पॉन्सिबल टीचर्स मुझे मीटिंग्स में मिलते रहते हैं, हमेशा वेरी रिस्पॉन्सिव, टेल देम, आप उनको बताएं जरूर, क्योंकि आईज पे स्ट्रेस मत डालो, पहले बच्चों के चश्मे लगे, ठीक है? और स्ट्रेस नहीं डालना, लाइट को अच्छे से देखना जहाँ भी पढ़ाई में, ये कहीं शीशा फटा हुआ आपका वो आपने तुरंत उसी लाइट में दूसरी लाइट आती है रिप्लेसमेंट में, देखो हॉस्पिटलिटी से संबंधित है, है? इसमें क्या बताते हैं? आपको समझ में आता है इसमें? बताओ, दोस्त है मेरे, हाथ मिलाओ पहले, ठीक है? दोस्त बन गए ना हम, तो बताओ इसको भी यूज कर दो, इसको आपको इजी लगता है ये पढ़ना? ये बुक्स में ज़्यादा अच्छा होता है ना, फिर लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे हम? एक चीज़ का सब लोग ध्यान रखें, लिखें ज़रूर, प्रैक्टिस, अगर जितना ज़्यादा लिखेंगे पावर मिलेगी और आपको उससे नॉलेज बढ़ती है, ठीक है? तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? खूब पढ़ाई करो, एंजॉय योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, है? अलग अलग कॉपी है आप दोनों की, एक ही कॉपी है, ये आपकी है? अभी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है।
क्या अच्छा लगता है मैथ्स है क्या साइंस क्या साइंस बच्चे मैथ्स ही पढ़ रहे हैं इसमें मैडम इनकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर उसमें 40 के लिए 38 बच्चे पहले से ध्यान रखेंगे अपना पहले से ध्यान रखना चाहिए ना अपना अभी जैसे सर्दियाँ आएगी हमें पता है ठंड बढ़ रही है तो उनको गर्म गर्म रहना है ठीक है और ऐसे ठंडे में नहीं रहना है ठंडे में रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बाहर हो जाएंगे ठीक है पानी इनको गर्म देते हैं कि कैसा पीते हैं पानी मैस में इनको देते हैं जैसे बोतल वगैरह ले जाते हैं हाउस के गर्म पानी गर्म पानी का गर्म पानी लेके जाया करो बच्चों है ना ठीक है फिर गला ठीक रहेगा ठंडे पानी से गला खराब हो जाता है कि नहीं yes, sir. तो भी फिर हमारी क्या हमको सबको क्या करना चाहिए गर्म पानी पीना चाहिए ठीक है yes, sir. और खूब पढ़ाई करनी खूब बहुत ज़्यादा कितनी नवोदय विद्यालय आपको पता है बहुत अच्छा स्कूल है पता है ना आपको सबको आप लोग कॉम्पिटिशन आपने एग्जाम दिया फिर आपकी सिलेक्शन हुई ठीक है टाइम नहीं होना सर साहब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ठंड हो गई है आपको ठंड लग रही है अभी क्या आपने वार्म कपड़े डाले हैं सर बेटा आपने जैकेट नहीं डाले क्यों स्वेटर डालनी कर रहे ठीक है कोई है इसमें लुक आफ्टर कर रहा क्लास को लिखने की प्रैक्टिस करो लिखोगे तो दो बातें होंगी एक तो ध्यान भी भटकेगा कैसे बच्चों आगे बैठ जाओ बैठ जाओ क्या पढ़ रहे हैं आप लोग एक बंदा बता एक बच्चा बता आप बताओ आबिद आबिद अच्छा तो अभी शाम का समय है क्या बोलेंगे इसको ठीक बोला मैडम आपने खाना खा लिया आपका डिनर टाइम क्या है कोई पढ़ रहे हो आप लोग क्या पढ़ रहे हो
जर्मन पढ़ा। जर्मन? यस सर। ये एडिशनल क्लास है इनकी? यस सर। अच्छा, बैठो बच्चों, बैठ जाओ। क्या पढ़ा रहे हो? जर्मन का सिस्टम पढ़ा रही, अभी इनको स्कूल सिस्टम के बारे में बता रहे थे। किस क्लास के बच्चे हैं ये? 7 to 9। 7 to 9। किस क्लास के बच्चे हो आप? बच्चे 8 में हो। छोटे छोटे बच्चे? यस सर, 8 में हो आप? अच्छा, वेरी नाइस। क्या पढ़ रहे हो आप, बताओ मुझे क्या पढ़ रहे हो? ये इनकी स्पेशल बुक्स हैं? यस सर, ये अलग से इनका एग्जाम होना है इसका ना, अलग से फिट वन, जिसमें इनको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। यू हैव वन लैंग्वेज जर्मन और अदर वन? अदर वन मराठी। मराठी, मराठी। एक इंडियन लैंग्वेज लेंगे कोई और एक फॉरेन। बच्चों आपको यहाँ पर पढ़ते डिस्टरबेंस तो नहीं होती? और मैं मुझे तो लगता होनी चाहिए। लाइट का तो हाँ, लाइट थोड़ी डिम है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ब्राइट लाइट, ताकि आपको बिल्कुल दूर से जो है अक्षर को नहीं। दिस इज वेरी जेन्युइन नंबर। ठीक है, इसको मुझे कंप्लायंस चाहिए इसका, मतलब ये करेक्शन का ना। ठीक है, मैं तो इसलिए भी बोल रहा ना कि अभी सुबह शाम भी हो गई है और खाने की भी खुशबू आ रही है, उससे तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे आप लोग? गुड। यहाँ मैडम किस किस क्लास से हैं बच्चे? आपने एग्जाम दिया आज? ठीक है, वो उसको एग्जाम देने से पहले आपको बताया गया एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है? आप कहाँ पे घर का मिला, किस जगह? ओके, ये रिकॉम्पी शादी है, ये चार और रिकॉम्पी के बीच में अच्छी, बहुत अच्छी राइटिंग है। क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, डिक्शनरी का यूज करते हो बच्चा? बेटा आप लोग डिक्शनरी यूज करते हो? करते हो कि नहीं? होमवर्क भी करते हो ना, और अपनी तैयारी भी करते हो और होमवर्क भी करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। जरूर करनी है आपको। ठीक है, इसमें हेल्दी खाना खाए। नंगल देवी मंदिर का है ये सर, नीचे सर एकदम साथ ही है। लास्ट है ना डेट? व्रत तो नहीं रखता कोई?
आपने चावल नहीं लिए बेटे, अच्छे नहीं लगते चावल आपको, बाद में लोगे हैं, आज भी मारे आइए आपके बच्चे कितने दिन हो गए बेटा है? इस क्लास में कौन बैठता है? तुम बोलो बेटा बड़े बड़े। इस क्लास में कौन बैठता है? आप बैठते हो? कब का बैठा है? चार पांच दिन हो गए। चार पांच दिन हो गए। सर्दियाँ हैं उनकी स्पेक्स नहीं लगी क्योंकि उसका हमारा तो उससे ही लग जाता है पता कि एक कम से कम बच्चे पढ़ने वाले हैं पर स्ट्रेस ना पड़े सर विद इन 15 डेज लाइट करवा सर ये पूछा है कि कैसे इसमें जिसमें प्रतिस्पर्धा के कंसेप्ट से हम लोग आते हैं ठीक है ना तो आप लोगों ने तो वो कॉम्पिटिटिव पहले करी है